नमस्कार दोस्तों, सुपलाक जेम जी हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं LGS जूनियर हाई स्कूल गढ़ारपुर टाइमणिया हूँ, जो कि जौनपुर ज़िले में स्थित है। आज यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन है। आइए आपको आगे की सीन दिखाते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या क्या हो रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री गेट है, फिर यहाँ से एंट्री करने के बाद जो है आप अंदर जाएंगे तो अंदर का हम सीन आपको दिखाते हैं। जैसा गाइज आप लोग देख सकते हैं कि अंदर विज्ञान प्रदर्शनी चल रही है और मैं गेट से एंट्री कर रहा हूँ। बच्चे यहाँ स्वागत कर रहे हैं और साथ में यहाँ रजिस्टर रखा हुआ है, सभी का एंट्री हो रहा है और विद्यालय के प्रबंधक भी खड़े हैं। आगे मैं उस कमरे में ले चलता हूँ जहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी चल रही है। इसी क्रम में यहाँ पर बच्चों ने अपना अपना प्रोजेक्ट बनाया है और लोग आकर उसका अवलोकन कर रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के अपने जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको बता भी रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं बच्चे कई प्रोजेक्ट बनाए हैं, ATM मशीन तक बनाए हैं, सोलर पैनल बनाए हैं और ग्लोव्स बनाए हैं। इस प्रकार जो है बच्चे अपना ह्यूमन लंग्स बनाए हैं और ग्लोव सिस्टम आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनाए हैं और लोग आकर उनके परफॉर्मेंस को सराह भी रहे हैं और उस पर ग्रेडिंग भी दे रहे हैं। वहाँ पर बराबर पेपर्स बना के रखे गए हैं, आप जैसा देख सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम होने से बच्चों में जो है आंतरिक शक्ति का विकास होता है और जो इंटरनल पावर होता है उनका डेवलपमेंट करने में सहायक भी होता है। यहाँ पे ज्वालामुखी भी दर्शाया गया है और आप जैसा देख सकते हैं इस प्रकार कई प्रोजेक्ट बनाकर बच्चे रखे हैं। यहाँ पे पंप मशीन भी बनाई गई है जो कि पानी को खींच रही है। ग्लोब सिस्टम दर्शाया गया है, लास्ट में ATM भी पुनः बनाया गया है। आप कैमरे से देख सकते हैं। बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।